हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? बेहतर होंगे उम्मीद करता हूँ। आज आरएएस का पेपर हुआ है, जिसकी हम लोग आंसर की और सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, जितना अपने से बेस्ट पॉसिबल रहा। क्वेश्चन नंबर एक है कि संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी में प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये 2021 में किया गया था, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के तहत। तो इसका आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर 4। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सही बात है। और इसका अध्यक्ष या फिर इसके जो मेंबर्स हैं उनको हटाने की पावर ओनली और ओनली राष्ट्रपति को होती है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व विभाग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 4। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। सही बात है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। यह एक सदस्यीय आयोग था 1994 तक, उसके बाद में ये 3 सदस्यीय हो गया है। तो ये ऑप्शन 2 गलत हो चुका है। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर है ओनली 1। कौन से में? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपन। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग के एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया? तो कौन सी सिटी है? जोधपुर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस योजना के संबंध में इस नारे से है, कोई भूखा न सोए? तो ये कौन सी योजना से संबंधित है? इंदिरा रसोई योजना। कौन सी योजना है? इंदिरा रसोई योजना से संबंधित है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 4 ओनली 1। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य। सही बात है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। तो ये आंसर ऑप्शन सेकंड गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति में निम्न में से किस विषय से संबंधित था? तो ये था लोकायुक्त से संबंधित। किससे संबंधित था? लोकायुक्त से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड्स नहीं है? क्या नहीं है? कारें, राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी है, सरकारी प्रशासन, सड़कें। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का 1। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है 2। 1 और 2 दोनों सही। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवार का 125 दिवसों प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देता है। तो 125 दिवस तक रोजगार की गारंटी देता है यह। ठीक है इस और इसके बाद में आता है पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों को रोजगार उपलब्ध कराना, रजिस्ट्रेशन के बाद में 30 दिन तक रोजगार उपलब्ध करवाने की ये गारंटी देता है, और 125 दिनों का रोजगार प्रदान करता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का 2। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर 1, सकल राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू राजस्व घाटा प्लस पूंजी व्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर था? तो ये है 126। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑटोमोबाइल, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका ऑप्शन क्या है? वर्ष 2021 में भारत दोपहिया और तिपहिया वाहनों की दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता था? नहीं, थर्ड रैंक पे था उस टाइम पे। बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं। वर्ष 2021 में भारत यात्री कारों की दुनिया में चौथा सबसे बड़ा निर्माता है, और यह जीडीपी 7.1% का योगदान देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का 4। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज दर। ठीक है जी, क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? तो इसका आ जाएगा अपने नैतिक दबाव, 18 का 4।
फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? तो इसका आंसर क्या है? 4.86%। कितना? 4.86%। ठीक है, अब इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 0.5 मेगावाट से 0.2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये तो खैर आप सभी को आता ही होगा, 14 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आ जाएगा अपने 2005। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान लगाया? तो वो है कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 27 का आ जाएगा 4। ठीक है जी, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताती है? महिलाओं को व्यवसाय प्रशिक्षण देना, नहीं, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो ये मासिक धर्म से संबंधित जो सैनिटरी पैड्स वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। कौन सी? शक्ति उड़ान योजना। तो इसका 28 का आंसर क्या हो जाएगा? B 2। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनालजेसिक औषधि है? तो वो कौन सी है? मॉर्फिन। तो नार्कोटिक पीड़ाहारी तो अपने वैसे भी याद है, अपने भी मॉर्फिन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूर दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है कौन से? अवतल मायोपिया के लिए, निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए तो अपन अवतल दर्पण का यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं, जबकि हाइपर मेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष के लिए अपन यूज करते हैं उत्तल लेंस का। ठीक है जी, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था सुरक्षित प्रसव एवं स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों और देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? तो ये कौन सी है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33। 23 अगस्त 2023 को LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है, यह है एयर टू एयर, कौन सी? बियॉन्ड। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें से? बियॉन्ड वाला है 2। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 2, 33 का आंसर 2। इसके बाद मत है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है जी, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्च से किया गया था वह था PSLV C-55। कौन सा? PSLV C-55। 34 का आंसर फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो MP3 अपन गाने सुनने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके साथ में आता है क्वेश्चन नंबर 37। डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों में से सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई बाइट, बिट, KB, MB, GB और TB। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? बी ऑप्शन क्या हो गया? 2 कह दो या बी कह दो। ठीक है जी, इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 38। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं को निहित हमोजन है? तो इसका आंसर आ जाता है अपने 3 A तथा B दोनों। निम्न रोगों में से कौन सा जीवाणुवीय रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 डेंगू। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है।
गाइस इस क्वेश्चन में ये चारों ही प्रजाति प्लाज्मोडियम की है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाता है, विवेक्स। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 3। इसके साथ में आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41 का, एनटीयू मापने की इकाई है तो जल की अविलता या टर्बिडिटी, जल की टर्बिडिटी नापने के लिए अपन एनटीयू का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषित जगह में नहीं उगता, तो 42 का आंसर क्या है गाइस, एक लाइकेन। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर 3 तिरुवनंतपुरम। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर 44 प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन सुनिए, तो ये आएगा इसका, हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, 30% नहीं होता, तो आंसर 44 का फर्स्ट। अब आते हैं अपन 45, इसका आंसर है बीकानेर। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन क्या है, 3 बाजरा मक्का कोदो ज्वार इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स फसलों का है, बाजरा मक्का कोदो और ज्वार। क्वेश्चन नंबर 47 का है, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा कहाँ स्थापित किया गया, इसका आंसर क्या है गाइस, 2 जोबनेर, जोबनेर में किया गया पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है, तो इमारती लकड़ी, दोबारा से नवीकरण नहीं किया जा सकता इमारती लकड़ी का, ठीक है जी। 49 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अनुमानित किया जाता है, तो इसका आंसर है 20%, कितना 20%, ऑप्शन 4, ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर, इसमें अपन को क्या है कथन और निष्कर्ष के बारे में दिया, खेत के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर करते हैं, तो इसके दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर अंतर्निहित है, तो इसका ऑप्शन 2, ठीक है। क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए, हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण, सही बात है। नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी तरह पूरी करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता, तो ये बात भी सही है। एक्चुअल में यहाँ पे दोनों ही तर्क मजबूत हैं अपने अपने व्यू से देखें तो इसका आंसर भी 52 का भी 2 होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 53 का, नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है, तो इसका 53 का सीधा अपन आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर 3, न तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। पद ग्रहण करने के लिए म्यूनिसिपल आयुक्त ने नगर ए को नागरिकों से कहा कि मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो लोग जागरूक नहीं है, बस वो चाहते हैं कि क्या पता इससे और बेस्ट किया जा सकते। आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके और शहरों में सौंदर्यकरण में उनका अच्छा स्वभाव है, तो ये चीज़ भी जरूरी थोड़ी है कि पहले से फिक्स्ड हो, तो इसका आंसर 3 रहेगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 54 का ये भी अपना कथन निष्कर्ष, मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक सूचना जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आ जाता है एक तथा दोनों अनुसरण करते हैं। सरकार प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करने चाहिए भाई। संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, जिसके ऑप्शन दोनों ही होंगे। अभी यार अपन जल्दी करने का अपना एक रीजन है कि यार टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी देखना है, और हमने वैसे आंसर हमारे एक्यूरेसी और एकदम 100% सही निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है 4, ठीक है, बीच वाला वहीं रह जाएगा और बीच के एक पहले से सीरीज वापस स्टार्ट कर देंगे, वही दोनों को आप मिस मैच करके देखोगे तो 55 का आंसर 4। अब क्वेश्चन नंबर 56 से लेके और क्वेश्चन नंबर 68 तक हम खुद मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर डायरेक्ट वीडियो क्लास में सॉल्व करवाएंगे, ठीक है जी, ऑन बोर्ड। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड्स हैं, 44 क्वेश्चन नंबर 69 का 2, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की गई है, क्वेश्चन नंबर 70 का 1, जोधपुर, ठीक है जी, कहाँ की गई, जोधपुर में। राष्ट्रीय
बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में पांचवें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? तो धौलपुर करौली अभ्यारण्य। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न किस शहर में किया गया? वो है बेंगलुरु। मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन है अपना अपने लाइव क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिसी को चुना। वह निम्न में से किस देश से था? वो थे त्रिनिदाद एंड टोबोगो। त्रिनिदाद एंड टोबोगो ये अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस किस्म का क्या नाम था? यूरिया गोल्ड। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM लॉन्च किया? तो ये कौन था? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 80, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो वो है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 80 का 1। इसके बाद में चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजोन में निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था? तो वो है यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर तेल ड्रिलिंग को उन्होंने बैन करवा दिया था कि हम लोग यहाँ नहीं करने देंगे, तो वो है यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। मेरा गाँव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? मेरा गाँव मेरी धरोहर ये है कल्चरल, तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रीय संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो वो है जयपुर, ऑप्शन नंबर 4। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग की पहचान के लिए AI4 गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर 3, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम, मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 86। राजेश्वरी कुमारी जन्म बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है का संबंध किस खेल से? वो है निशानेबाजी से। किससे है राजेश्वरी कुमारी का? निशानेबाजी से। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को, क्वेश्चन नंबर 87। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों को व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह स्पर्धा निम्न में किस देश में आयोजित की गई थी? तो वो थी साउथ कोरिया। ठीक है जी, किसमें की गई थी? साउथ कोरिया में। अब क्वेश्चन नंबर 89। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर 3। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 7th, 7वां। क्वेश्चन नंबर 90 का 3। ठीक है जी, अब चलते हैं 91। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था, तो वो कौन थे? पृथ्वीराज थर्ड। सहयोगिता वाले 92 आता है। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या है? भोज फर्स्ट के काल में। क्वेश्चन नंबर 93। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल वैभ्य, मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये हैं करौली राज्य प्रजामंडल। ठीक है, कौन सा? करौली राज्य प्रजामंडल। क्वेश्चन नंबर 94। मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय कब किया गया था? 15 मई 1949 को। तो आंसर 94 का 4। क्वेश्चन नंबर 95। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर थे? तो वो थे झाड़ोल। कौन सा? झाड़ोल के पद पर कार्यरत, कामदार के पद पर कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद के लोह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई? नगर नैनवा। क्वेश्चन नंबर 98।
राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय बीकानेर में यहाँ पे पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, कुबलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख किया गया? तो 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 100, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक हैं? चारण शिवदास, ठीक है। अचलदास खींचीरी वचनिका कौन है? शिवदास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 101, कौन सा युग्म गलत है? मल्लिनाथ जी गागरौन। क्वेश्चन नंबर 102, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो झालरापाटन में, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर है बाकाटक वंश। भरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? भरहूत का स्तूप की स्थापना तो मुगल कालों के टाइम पे हुई थी, लेकिन यहाँ इसका दोबारा पुनरुद्धार किया गया था सुंगकालीन समय में। तो भरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? सुंगकालीन। 106 का आंसर 4, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 107 का 1, सोमदेव ने। ललित विग्रहराज की किसने की थी? सोमदेव ने। क्वेश्चन नंबर 108 आता है अपने, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? तो क्वेश्चन इसका आंसर है अलसानी पेडना, ऑप्शन 3, 108 का ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन आता है अपने 110, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो वो है अपने महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड, महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड जयपुर। क्वेश्चन नंबर 111 आता है, निम्नलिखित में किस द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो वो है जगपति जोशी। किसके द्वारा खोज की गई थी? जगपति जोशी, सुरकोटड़ा। क्वेश्चन नंबर आता है 112, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है 1, लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर आता है अपने 114, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में जाकर गिरती हैं? वो है भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। कौन सी सागर में गिरती है? भूमध्य सागर। 114 आंसर नंबर 2। निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, सुल्तान मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर है सुरावदी नंबर 1, 115 का आंसर नंबर 1 सुरावदी। और क्वेश्चन नंबर 116, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1905। कब की गई थी? 1905 में। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 118, कौन से क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? इसका आंसर आता है ए सी एंड डी, तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्व कर्नाटक। गुजरात तट पे उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं नहीं होती है, ठीक है जी। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हम लोगों ने आप लोगों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया आंसर जो एक्यूरेसी के साथ में, जिसको अपन टाइम देकर जितने हो पाए अपने अपनी तरफ से बेस्ट किए हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अपने मैथमेटिक्स की क्लास, जो कि अपन खुद लाइव क्लास सॉल्व करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।